बॉयज़ एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है कॉमर्स की पाठशाला में। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और लॉकडाउन जैसा कि आपको पता ही कि एक्सटेंड होने वाला है, तो घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिएगा। आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप घर में बैठ करके स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर वीडियोज़। इसके अलावा आप बुक्स पढ़ सकते हैं या फिर जो भी सोर्स से आपको यूज़फुल क्रेडिबल नोट्स मिल जा रहे हैं आप उनको वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। आपके पास समय है, अच्छे से स्टडी कीजिए और इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो काफ़ी अच्छा जाएगा। और स्टडी करने के लिए ही ये वीडियो जो है मैंने बनाया है। तो ये जो वीडियो का लेक्चर है, आपको टॉपिक स्क्रीन पे दिख रहा होगा, IBO 4 से ये रिलेटेड है, राइट। और IBO 4 का ये यूनिट 2 है जिसमें हम बात करने वाले हैं उन सारे जनरल कंडीशंस की जो कि एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में दिए जाते हैं। एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे कौन कौन से जनरल कंडीशंस होते हैं जिनकी बात की जाती है, राइट। तो बिना समय बर्बाद किए लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें, ठीक है। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं, विच इज़ अबाउट द जनरल कंडीशंस इन एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मेरे ख्याल से आपको जानने की ज़रूरत है कि एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एक्सपोर्ट, आपको पता है कि जब भी आप किसी सामान को अपने कंट्री से किसी और कंट्री में भेजते हैं बेचने के उद्देश्य से, राइट। तो एक्सपोर्ट कंट्रीज़ करती कब है? जब कंट्रीज़ के पास एक्स्ट्रा अमाउंट में कोई प्रोडक्ट होता है जिसका इस्तेमाल जो है भारत में, सपोज़ भारत के लोगों को ही बाहर भेजना है, भारत के लोगों द्वारा जो निर्मित जो वस्तुएं हैं उनको ही बाहर भेजना है। तो वो बाहर भेजने की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब भारत के लोगों के जो डिमांड है उसको आप सेटिस्फाई कर दोगे, राइट। तो फिर जो एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट हमारे कंट्री में बच जाते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर के देशों में जहाँ उन प्रोडक्ट्स की डिमांड है उनको वहाँ भेज देते हैं, राइट, बेचने के उद्देश्य से। तो उसे एक्सपोर्ट कहा जाता है इन इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी, ठीक है। और उसी तरीके से जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो कोई और कंट्री हमारे देश में अपने सामान को भेजती है और उसे हम इम्पोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गया। अब देखो, जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसके भीतर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, राइट। कॉन्ट्रैक्ट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक्सपोर्ट किया और जो व्यक्ति है जिसको मैंने एक्सपोर्ट किया उसने सपोज़ उस सामान को डिलीवर रिसीव करने से मना कर दिया, ठीक है, मतलब मेरी डिलीवरी नहीं हो पाई किसी कारण से, या इसके अलावा कुछ और भी कंडीशंस होते हैं, हो सकते हैं कि सपोज़ उसने किसी बात का रीज़न दे करके उसने कहा कि ठीक है मैं पेमेंट आपको नहीं करूँगा, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी रीज़न जो है वहाँ पे हो सकता है। तो इसके लिए इन सारे डिस्प्यूट्स से बचने के लिए जो है एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसमें हम यही बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ पे एक्सपोर्ट कंडीशन लगाया जाता है या फिर इसकी मतलब ज़रूरत पड़ती है एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की, ठीक है। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट रेफर्स टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है मैटर है सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का। इन एडिशन, द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो मैंशन द राइट्स ऑफ द पार्टी कंसर्न अगेंस्ट द पार्टी विच मे हैव फेल्ड टू ऑनर हिज कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस एक्सेप्ट अंडर सम वैलिड रीजंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो मैं बात इतनी देर से कह रहा था वही बात यहाँ पे बोली गई है। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ये मेंशन, उसमें ये मेंशन किया हुआ रहता है कि किन पार्टीज़ के क्या क्या राइट्स हैं, जो भेज रहा है उसका क्या राइट है और जो रिसीव कर रहा है उसका क्या राइट है, कि अगर आगे जा करके वो अगर किसी ऑब्लिगेशन को मीट नहीं कर पाता, किसी चीज़ को किसी मतलब जो उसको करना चाहिए था अगर वो नहीं कर पाता है तो वो क्यों नहीं किया, इस चीज़ के पीछे लाइक इंक्वायरी होगी। अगर कोई वैलिड रीज़न नहीं मिला तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो ये कार्रवाई तभी होगी ना जब आपके पास रिटन डॉक्यूमेंट होगा। तो इसी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, एक तरीके से उसके ऊपर एक तरीके का लाइक ऑब्लिगेशंस को मानने का एक प्रेशर होता है, ठीक है। हालांकि ज़रूरी नहीं है मानना, अगर आपको कोई वैलिड रीज़न पे अगर आप एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट को अगर वॉइड करते हो, मतलब उसके अगर नियम को अगर आप तोड़ते हो तो फिर वो चलेगा, है ना। सपोज़ एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में है कि आपको माल रिसीव करना पड़ेगा, बट कोई वैलिड रीज़न आपने दिखा करके सपोज़ उस माल को रिसीव नहीं किया, ठीक है ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वैलिड रीज़न लेकिन आपको दिखाना होगा, जैसे कि यहाँ बोला गया है, फेल टू ऑनर इस कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट अंडर सम वैलिड रीजंस, ठीक है ना। द मूवमेंट ऑफ गुड्स इन एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्व रिस्क एंड कॉस्ट। अब देखो, जो एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन में जो गुड्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, इस केस में क्या होता है कि जो कॉस्ट है उसका रिस्क होता है, है ना, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे मेहनत इन्वॉल्व होता है, समय इन्वॉल्व होता है, इन सारी चीज़ों का रिस्क होता है। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपोर्ट में होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। द गुड मे गेट लॉस्ट, गुड जो होता है हो सकता है वो खो जाए। आपने सुना होगा कि एंटायर शिप जो है कभी कभी गायब हो जाता है समुद्र से, उस शिप का पता ही नहीं चलता, पायरेट्स लूट लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट। या फिर सपोज़ आपका सामान चोरी हो गया या फिर डैमेज हो गया ट्रांजिट, ड्यूरिंग ट्रांजिट डे को लिखा हुआ, मतलब जब सामान एक जगह से दूसरे स्थान तक जा रहा है उसे हम ट्रांजिट कहते हैं, ठीक है। सो द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट स्पेसिफाई हु विल बेयर दिस रिस्क एंड अप टू व्हाट पॉइंट,
ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में ये बातें लिखी हुई होती हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है जो मैंने अभी गिनाया है आपको चीज़ें, तो उस केस में जो रिस्क है वो कौन बेयर करेगा और किस हद तक बेयर करेगा। सपोज 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है टोटल जो आप भेज रहे हो, गुड्स की वैल्यू है, तो उसमें से सपोज कुछ हो गया उसके साथ खुदा ना खास्ता, तो उसमें आप 50 करोड़ सपोज जो जो सेंडर है, जो एक्सपोर्टर है, वो उसको बेयर करेगा, और 50 करोड़ जो है वो रिसीवर जो है वो उसको बेयर करेगा, राइट। तो ये बात होती है, तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है, रिस्क एंड अप टू व्हाट पॉइंट। सिमिलरली फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स विल मीन कॉस्ट, हुज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी विल इट बी टू बेयर दीज कॉस्ट, तो कौन इन सारे कॉस्ट को बेयर करेगा। दीज इशूज़ आर टू बी रिजॉल्व थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे इशूज़ को जो है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, लेक्चर थोड़ा लंबा होगा जी। देखिए यहाँ पे, तो मोस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स हैव डेवलप्ड स्टैंडर्ड जनरल कंडीशंस ऑफ द एक्सपोर्ट टू बी इनकॉर्पोरेटेड, है ना, इन एन एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो बहुत सारे जो एक्सपोर्टर्स होते हैं वो स्टैंडर्ड जनरल कंडीशंस जो होते हैं एक्सपोर्ट के उसको फॉलो करते हैं और उन सारे कंडीशंस को ही अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखवाते हैं। इट सिंप्लीफाइज द डे टू डे एक्सपोर्ट ऑपरेशंस। इसके जरिए जो है आप जो डे टू डे एक्सपोर्ट की जो ऑपरेशन को करोगे, उसके कार्य को जो करोगे, उसकी लाइक एक तरीके से वैलिडिटी रहेगी, वो एक तरीके से वैलिड रहेगा, है ना। ये सिंप्लीफाई कर देता है उस चीज़ को। इट ऑल्सो रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसिंग आउट सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, है ना, ये एक तरीके से रिड्यूस कर देता है किसी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के मिसिंग होने के जो चांसेस होते हैं उसको एक तरीके से रिड्यूस कर देता है ईच टाइम अ कॉन्ट्रैक्ट इज ड्राफ्ट। और जब भी इस कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट किया जाता है तो ये सारे फायदे होते हैं, मतलब जो मिसिंग आउट होने का जो चांसेज है कुछ कुछ चीज़ों का वो लाइक नहीं होता, उसकी जो चांसेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं, है ना। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जनरल कंडीशन डिपेंड अपॉन वॉट इज़ बींग एक्सपोर्टेड, ठीक है। तो जो जनरल कंडीशंस होते हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है डिपेंड करती है कि किस तरह के गुड्स को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। मतलब सपोज कुछ हाईली वैल्यूएबल कुछ गुड्स अगर आप एक्सपोर्ट, सपोज डायमंड आप एक्सपोर्ट कर रहे हो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, तो उस केस में जो कंडीशंस होते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। जनरल कंडीशंस ही होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे, क्योंकि जो गुड्स आप भेज रहे हो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, राइट। तो यही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है जनरल कंडीशंस की, वो डिपेंड करती है कि किस तरह का जो सामान है आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। इफ़ द प्रोडक्ट इज स्टैंडर्ड, अगर प्रोडक्ट जो है स्टैंडर्ड है, सच एज गारमेंट, हैंडीक्राफ्ट, लाइट इंजीनियरिंग गुड्स एंड सेट ऑफ सिंपल जनरल कंडीशंस विल सफिस, ठीक है ना। तो अगर इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से जो है चीज़ें हो जाती हैं, कुछ खास उसमें कंडीशंस नहीं होते। ऑन द अदर हैंड, अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ फार्मास्यूटिकल पेट्रोकेमिकल्स प्लांट मे रन इन टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, ठीक है। तो उसी तरह से देखो, अगर आप पेट्रोकेमिकल्स प्लांट के बारे में अगर बात करो, पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप बात कर रहे हो, तो उस केस में जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो सकता है, मतलब वहाँ पे हो सपोज हंड्रेड्स ऑफ पेजेस का भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत पड़ती है, राइट। फॉर अ मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बींग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया द फॉलोइंग एस्पेक्ट शुड बी कवर्ड अंडर द जनरल कंडीशंस, ठीक है ना। तो जो मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंडिया से बाहर भेजे जाते हैं उसमें जो नीचे सारी चीज़ें दी गई हैं जो मैं अभी आपको एक एक करके बताऊंगा, वो सारी चीज़ें जो है एज अ जनरल कंडीशन जो है वहाँ पर लिखी हुई रहती हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, पार्टीज़, कौन कौन से पार्टीज़ हैं, कौन भेज रहा है, कौन रिसीव कर रहा है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट कैसा है और किस क्वालिटी का वगैरह वगैरह, क्वालिटी हो गया, प्राइस पर यूनिट, टोटल वैल्यू क्या है प्रोडक्ट का, करेंसी किस करेंसी में जो है इसका आदान प्रदान हो रहा है, टैक्स एंड चार्जेस क्या है, पैकेजिंग पैकिंग क्या है, मार्किंग एंड लेबलिंग क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी, इंश्योरेंस, इंस्पेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, मोड ऑफ पेमेंट, क्रेडिट पीरियड, वारंटीज, पासिंग ऑफ रिस्क, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, अवेलेबिलिटी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस, फोर्स मेजर, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, प्रॉपर लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड ज्यूरिसडिक्शन। तो ये 24 पॉइंट्स हैं, माफ़ी चाहूँगा, 24 पॉइंट्स हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है जनरल कंडीशंस के रूप में। अगर कुछ और भी चीज़ें लिखने की जरूरत पड़ती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है बाय द पार्टीज़, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई रहती हैं। अब आगे कुछ छोटे से पॉइंट्स हैं उसको कर लेता हूँ। इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन विच हैज़ बीन सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डेवलप्ड अ मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स। दिस मॉडल इज अप्रोप्रिएट फॉर मोस्ट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्सपोर्टिंग स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। यहाँ पे जो बात बोली गई वो ये है कि इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन जो है, जिसको सेटअप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक डिपार्टमेंट है, उसने एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया है ताकि जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उनको बेनिफिट हो सके, ठीक है। और ये जो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट है ये बहुत ही अप्रोप्रिएट है जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज की जो कंपनीज होती हैं उनके लिए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बनाती हैं और उनके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत ज़्यादा लाइक यूज़फुल होता है,
ठीक है, तो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था जिसमें मैंने आपको एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सारी की सारी जानकारी दी। अगर आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया है तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, कुछ बातें और बताना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में विजिट कीजिए, आपको वहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी रिगार्डिंग वेरियस जो भी आपके चैप्टर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, है ना। तो आप वहाँ पर जाकर के विजिट करके स्टडी कर सकते हो, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो मुझे दुआ में याद रखना, ठीक है। ओके देन, फिर बात होती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।